सीधा हमके बाबर आजम की याद आ गई। जिस तरह से बाबर आजम को आउट किया वैसे ही बटलर को आउट किया, मजा आ गया। कैसा लगा सर आपको? जय श्री राम। मुंबई से मैं आया हूँ, बढ़िया स्टेडियम, बढ़िया माहौल, जय इंडिया। चलिए जी, आपको बता दें टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है और हमारे साथ कुछ फैंस भी मौजूद है। कैसे लगा आज आपको इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की? इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है, इससे बढ़िया चीज और क्या लग सकती है, और वो भी इतने भारी मार्जिन से जीत हासिल करी है। भारत माता की जय। जिस तरह से सामी ने परफॉर्म किया है, इंडिया की बैटिंग हमेशा से अच्छी थी, लेकिन जो हमारी बॉलिंग टीम एकजुट होकर के जो बॉलिंग कर रही है, कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं पा रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद हमेशा जीताएगा। सीधा हमके बाबर आजम की याद आ गई। जिस तरह से बाबर आजम को आउट किया वैसे ही बटलर को आउट किया, मजा आ गया। एक स्लो विकेट था जो हमें कम स्कोर लग रहा था, लेकिन हमें सेकंड इनिंग में पता चला ये कितना अच्छा स्कोर था। तो ये नहीं है कि हमें हर मैच में 300 350 बनाना है, हमें पिच को देख के स्कोर करना है। 230 इज अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस पिच एंड इंग्लैंड भी विमेन बाय 100 रन्स। ऐसा हुआ ही नहीं कि उसका मैच शानदार ना हो, छक्के छुड़ा दिया। आज 6 मैच लगातार जीते हैं। बुमराह की गेंद, शमी की गेंदबाजी, कुलदीप क्या शानदार गेंदबाजी करी है। वर्ल्ड कप हमारा है, यही रहेगा। कपिल देव, धोनी और अब की रोहित, ऐसे ही चलेंगे मैच। आपको कैसा लगा आज का मैच? यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार स्टेडियम से बाहर फैंस इस समय आ रहे हैं और हर किसी के जुबान पर एक ही नारा है टीम इंडिया को लेकर के, कि बड़ी जीत जो मिली है इसके कई सारे मायने हैं। और ये मायने जो है क्योंकि अब भारत को खेलना है। आप बताइए कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा, आज इंडिया जीती। अभी तक इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले थे सब में उन्होंने चेस ही किया था। इस बार पहले बैटिंग की तो बहुत ही। आप क्या लिखे हैं इसमें? विराट सर, वी वांट ब्रेक सचिन बाजी ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड दिस वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, आज थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि कोहली सर ने 0 रन पे आउट हो गए। ये पहली बार हमने डिफेंड किया, टोटल छोटा सा टोटल था फिर भी हमने डिफेंड किया, इसका मतलब है तो हमारी बॉलिंग लाइन पे बहुत बढ़िया हो गई है। अरे आज का बढ़िया मैच था क्योंकि हमारा छोटा सा स्कोर था फिर भी हमने कैसा लगा सर परफॉर्मेंस आपको? परफॉर्मेंस टू गुड, उसका कोई 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 बोल नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं। वर्ल्ड नंबर वन टीम, वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर और वर्ल्ड नंबर वन बॉलर, ओनली फॉर इंडिया, कम ऑन। जिस तरह सीम कर रहा था मोहम्मद बुमराह का बॉलिंग, मोहम्मद शमी का, और जिस तरह विकेट गिरते गया इनिशियली विकेट, जो कि बहुत जरूरी था इस लो स्कोरिंग मैच में। सबसे बढ़िया थी मोहम्मद शमी की बॉलिंग, जो उन्होंने 4 विकेट लिए, बहुत मजा आ गया। इतनी बढ़िया बॉलिंग, मैं चाहता हूँ कि इंडिया हर मैच में मोहम्मद शमी को चांस दे। बहुत अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप 100% हमें जीत। कैसा लगा सर आपको? जय श्री राम। मुंबई से मैं आया हूँ, बढ़िया स्टेडियम, बढ़िया माहौल, जय इंडिया। चलिए जी, फैंस को तो बहुत मजा आया और एकाना स्टेडियम का जो सफर था वो अब यहाँ पर इंडिया ने जीत के साथ खत्म किया है। अगला मैच 2 तारीख को मुंबई में होगा, जहाँ पर श्रीलंका उनके सामने पड़ेगी। अगले मैच में रोहित और विराट का शतक आने वाला है, दोनों शतक मारने वाला है। इस बार रोहित चुक गए, लेकिन अगले मैच में रोहित और विराट दोनों का शतक आने वाला है। ऑल इन ऑल बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। तो अब अगली मुलाकात आपको लगातार कवरेज हम देंगे स्पोर्ट्स लाइव, एपी लाइव पर। आप हमारे साथ बने रहिए।